बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश विद सर आसिफुल हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज हम कंडीशनल टाइप टू की बात कर रहे हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस पे, कंडीशनल टाइप टू को सेकंड कंडीशनल सेंटेंस भी कहा जाता है। और सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, ये मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हैं, मैंने लिखा जी इफ़ क्लॉज। इफ़ क्लॉज एक मेन क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज, और एक इफ़ क्लॉज साथ आएगा। इफ़ का मतलब फिर वही शर्त, कोई स्पेकुलेशन, जो हम स्पेकुलेट करते हैं कोई आइडिया, और फिर उसका जो रिज़ल्ट होता है, जो पॉसिबिलिटी है, उसको हम मेन क्लॉज की बात करते हैं उसमें। जैसे इफ़ क्लॉज फर्स्ट कंडीशनल में हमने ये पढ़ा था कि एक पोर्शन में या इफ़ क्लॉज के साथ प्रेजेंट सिंपल आता है, जबकि यहाँ पर पास्ट सिंपल की बात करेंगे हम, यानी पास्ट सिंपल पास्ट लिख लें या पास्ट इंडेफिनेट टेंस भी लिख सकते हो आप। दूसरे लफ्ज़ों में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, जैसे इफ़ शी पास्ड द एग्ज़ाम। अब शी पास्ड सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ हुआ है, और ये सेकंड फॉर्म हमें बता रही है कि ये कंडीशनल वन तो नहीं है, कंडीशनल टू है। कैसे? क्योंकि हमने कंडीशनल वन में यहाँ पर पढ़ा था कि फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर आगे फ्यूचर सेकंड क्लॉज में फ्यूचर टेंस आएगा, जब यहाँ पे पास्ट आ रहा है, लिहाजा ये कंडीशनल टू। मतलब इफ़ क्लॉज के साथ अगर सिंपल पास्ट है तो आगे फिर हम क्या करेंगे, वुड के साथ इन्फिनिटिव का इस्तेमाल कर देंगे। इन्फिनिटिव का मतलब बेयर इन्फिनिटिव यहाँ पे लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म जिसे कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जब कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर जहाँ पे बी जो इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट वर्ब के तौर पे काम नहीं कर रहा बल्कि इन्फिनिटिव के तौर पे काम कर रहा है, याद रखिएगा। मतलब कंडीशनल टू के अंदर या सेकंड कंडीशनल सेंटेंस के अंदर, एक आप सिंपल पास्ट यूज़ करोगे एक क्लॉज के अंदर, और दूसरे क्लॉज के अंदर वुड के साथ इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करोगे, यानी वुड के साथ फर्स्ट वर्ब बेस फॉर्म लगाओगे जो कि काम इन्फिनिटिव का कर रही होगी, याद रखिएगा। हाँ, यहाँ पे बाज़ औक़ात कुड का इस्तेमाल भी हो सकता है, कुड प्लस इन्फिनिटिव या माइट प्लस इन्फिनिटिव भी आप लगा सकते हो, लेकिन याद रखिएगा कुड हो, माइट हो या वुड हो, यहाँ पे इन्फिनिटिव का इस्तेमाल यानी वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना है। आते हैं जी हम एग्जांपल्स पर। इफ़ शी पास्ड द एग्ज़ाम, यहाँ पे देखिएगा पास्ट सेकेंड फॉर्म, आगे शी वुड बी हैप्पी, वो खुश हो जाएगी। मतलब अगर वो पेपर पास करती तो वो खुश हो जाती। मकसद, एक इफ़ क्लॉज में एक क्लॉज के अंदर सेकंड फॉर्म, तो नेक्स्ट क्लॉज के अंदर वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिटिव का काम आ रहा है, यानी वुड प्लस इन्फिनिटिव, इसको हम बोलेंगे कंडीशनल टू, टाइप टू या कंडीशनल टू, कोई भी नाम दे सकते हो। दरमियान में जो कॉमा है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें मैंने कंडीशनल वन पढ़ाया था कि जब भी डिपेंडेंट क्लॉज कंप्लेक्स सेंटेंस के अंदर, जब भी डिपेंडेंट क्लॉज से कोई भी सेंटेंस शुरू होगा और बाद में इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज आएगा, तो दरमियान में सेपरेशन के लिए हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। सेकंड एग्जांपल हम पढ़ते हैं, इफ आई स्पोक परफेक्ट। स्पोक सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट टेंस है यहाँ पे, और फिर सेकेंड क्लॉज में आई वुड हैव यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हैव इन्फिनेटिव का काम भी, जैसे ये देखिएगा हैव, हैड और हैड, यानी मेन वर्ब में ये बेस फॉर्म है और बेस फॉर्म बेयर इन्फिनेटिव का काम यहाँ पे कर रही है, तो हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव के तौर पर, यानी बेस फॉर्म के तौर पर आया हुआ है। If I spoke perfect, I would have good job. एक पोर्शन में यानी एक क्लॉज के अंदर सेकेंड फॉर्म और नेक्स्ट क्लॉज में वुड के साथ हैव यानी वुड के साथ इन्फिनिटिव या फर्स्ट फॉर्म समझ लें आप, क्योंकि बेयर इन्फिनिटिव ही तो फर्स्ट फॉर्म भी तो बेयर इन्फिनिटिव ही होती है, तो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल, तो ये कंडीशनल टाइप टू। थर्ड एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इफ़ यू स्टडीड हार्ड, अगर आप सख्त मेहनत करते, यानी अगर आपने सख्त मेहनत की, अब देखिएगा स्टडीड सेकंड फॉर्म है, यू वुड गेट गुड मार्क्स, तो आप अच्छे नंबर हासिल करोगे, यानी अगर आपने अच्छी
अगर आपने सख्त मेहनत की तो आप नंबर अच्छे हासिल करोगे, इधर शर्त और उधर उसका रिजल्ट। अब यहां पे सेकंड फॉर्म और नेक्स्ट क्लॉज के अंदर वही चीज, वुड के साथ इन्फिनेटिव का इस्तेमाल, सेकंड फॉर्म और वुड के साथ इन्फिनेटिव। यानी ये देखिएगा, मैं लिख देता हूं, सेकंड फॉर्म है ये और यहां पे वुड के साथ हमने इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया हुआ है। आगे देखिएगा, इफ यू सोल्ड इट, सेल सोल्ड सेकंड फॉर्म यानी पास्ट, और आगे यू वुड गेट गुड जॉब, वुड के साथ इन्फिनेटिव फर्स्ट फॉर्म बन के गेट गेट गॉट गॉटन। तो यहां पे वुड के साथ इन्फिनेटिव का इस्तेमाल, तो इफ यू सोल्ड इट यू वुड गेट गुड मनी। अब एक चीज याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जब भी ये पेपर में, चाहे तहसीलदार के एग्जाम में, चाहे कोई CSS फोरम पे, चाहे कोई कम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे कोई 9th-10th लेवल पे बोर्ड का एग्जाम हो, इंटर लेवल पे हो, ग्रेजुएशन लेवल पे यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, तो MCQs फॉर्म में आते हैं। और MCQs फॉर्म में जब भी आपसे पूछा जाए, आपने देखना है कि अगर एक क्लॉज के अंदर सेकंड फॉर्म और नेक्स्ट क्लॉज के अंदर वुड और इन्फिनेटिव का इस्तेमाल है, यानी बेयर इन्फिनेटिव या फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल है, तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। पीछे हमने दूसरी वीडियो में पढ़ा था, वो भी मौजूद है मेरे चैनल पे, अगर आप इधर प्रेजेंट और उधर विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो वो क्या था जी, कंडीशनल वन था, और अगर इधर सेकंड फॉर्म और फिर वुड गुड या माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव का काम कर रही है, तो समझ जाइएगा ये सेकंड कंडीशनल है, कंडीशनल टाइप टू है, याद रखिएगा। ये बाज़ औकात एक और क्वेश्चन भी आता होता है, यानी यही इफ यू, फर्ज करें कोई इनमें से आ जाता है, इफ यू सोल्ड इट यू वुड गेट गुड जॉब मनी, और आपसे वो पूछ ले कि ये जो गेट है यहाँ पे किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, इन्फिनिटिव का काम कर रहा है, या कोई और, कोई एग्जाम्पल में कोई और ऑप्शन दे देता है, तो जीरेंड का काम कर रहा है, कुछ और प्रेपोजिशन तो नहीं दे सकता, तो याद रखिएगा गेट यहाँ पे वर्ब का काम नहीं बल्कि इन्फिनिटिव का काम कर रहा है, मतलब नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि इन्फिनिटिव नाउन होते हैं, तो गेट यहाँ पे इन्फिनिटिव है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इफ यू बॉट अ टिकट, बॉट सेकेंड फॉर्म, और आगे यू वुड ट्रेवल, वुड के साथ बेस फॉर्म इन्फिनिटिव का काम कर रही है, तो एक पोर्शन में सेकेंड यानी पास्ट और आगे वुड और इन्फिनिटिव, तो ये भी कंडीशनल टू। थर्ड, आगे सिक्स एग्जाम्पल, इफ आई वॉन द लॉटरी, अब वॉन सेकेंड फॉर्म है और आगे आई वुड बाय अ न्यू कार, वुड के साथ मैंने एग्जाम्पल इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये भी कंडीशनल टाइप टू। आगे सेवन्थ एग्जाम्पल पढ़ते हैं जी, वट वुड यू डू, अब मैंने मेन क्लॉज पहले लेकर आ गया और इफ क्लॉज बाद में लेके गया, कोई हर्ज नहीं है, इफ क्लॉज बाद में आए मेन पहले आए, इफ पहले आए मेन बाद में आए, सेंटेंस फिर भी सेकंड कंडीशनल ही रहेगा। आपने ये देखना है कि एक पोर्शन में अगर इफ के साथ वुड का, सॉरी इफ के साथ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल है और आगे वुड और इन्फिनिटिव का इस्तेमाल है, तो सेकंड कंडीशनल, और अगर वही शुरू में वुड का इस्तेमाल और फर्स्ट फॉर्म आ गया और इफ में जाके आगे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हो गया, तो फिर भी वही चीज़ है, सेकंड कंडीशनल इन्फिनिटिव होगा, याद रखिएगा। पढ़ते हैं जी हम एग्जाम्पल को, वट वुड यू डू, अब वुड के साथ डू इन्फिनिटिव का काम, और फिर क्या होगा यहाँ पे, आगे डेफिनेटली सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, देयर वो, तो ये बी की फॉर्म सेकेंड है, बी वॉज बीन या बी वो बीन सेकेंड फॉर्म है, लिहाजा ये भी कंडीशनल टू। वी वुड बाय अ हाउस, अब वुड के साथ बाय इन्फिनिटिव यानी बेस फॉर्म, आगे वी डिसाइडेड, डिसाइडेड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का काम कर रही है, एक पोर्शन में वुड और इन्फिनिटिव, दूसरे में सेकंड फॉर्म पास्ट है, तो लिहाजा ये भी कंडीशनल टाइप टू। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ नई है आपके लिए बच्चों और डियर फ्रेंड्स, टू स्टे, ये टू स्टे यहाँ पे इन्फिनिटिव है, वर्ब का काम नहीं कर रहा, ये है टू इन्फिनिटिव, वो वाला जो पीछे हम बाय है ये बेयर इन्फिनिटिव और ये टू इन्फिनिटिव, इसको समझने के लिए भी आपको इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव की वीडियो देखनी पड़ेगी इंशाल्लाह, वो भी मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएगी और उसमें मैं आपको इन्फिनेटिव क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आगे चलते हैं, इफ़ ही वर यंगर, अब ही वो सेकंड फॉर्म है, बी की सेकंड फॉर्म, फिर से वही आ गया, यहाँ पे मैं बी की फॉर्म क्लियर करता जाऊं, बी की फॉर्म का मतलब होता है इज वॉज बीन या एम वॉज बीन या फिर was
सॉरी सॉरी सॉरी, आर वो बीन। तो याद रखिएगा इज वॉज बीन, एम वॉज बीन, आर व बीन, तो ये सारी बी की फॉर्म कंसीडर की जाती हैं, ये बी की फॉर्म है। लिहाजा मतलब यहाँ पे वॉज भी सेकेंड फॉर्म, वॉज भी सेकेंड फॉर्म, व भी सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पे वही कंडीशन थी। इफ़ ही व, मतलब ये सेकेंड फॉर्म के तौर पर आ गया। इफ़ ही व, ही के साथ व लगा हुआ है, कोई हर्ज नहीं है, सेकेंड फॉर्म का काम यहाँ पे कर रही है। इफ़ ही व यंग, ही वुड ट्रेवल मोर, और वुड के साथ इन्फिनेटिव का इस्तेमाल, तो ये भी कंडीशनल टाइप टू। इफ़ ही पास्ट द एग्जाम, पास्ट कौन सी फॉर्म है जी, सेकेंड, तो ये सिंपल पास्ट एक इफ क्लॉज के साथ और नेक्स्ट क्लॉज के साथ वुड के साथ वुड बी एबल, तो वुड बी एबल भी आ गया यहाँ पे, ये इन्फिनेटिव का काम हो रहा है। लिहाजा ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, अगर एक क्लॉज में सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल हो और सेकेंड क्लॉज के अंदर दूसरा क्लॉज जो होगा उसमें इन्फिनेटिव और वुड, कुड या माइट का इस्तेमाल होगा, तो समझ जाइएगा ये सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस होंगे। अब फर्स्ट और सेकेंड में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज के अंदर हम प्रेजेंट इस्तेमाल करते हैं, दूसरे में फ्यूचर यानी विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म, और इधर हम एक पोर्शन के अंदर हम सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं सेकेंड कंडीशनल में, और दूसरे पोर्शन में हम वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव का काम कर रही होती है। तो ये है फर्स्ट और सेकेंड कंडीशनल में डिफर। तो इंशाल्लाह इसके बाद आप थर्ड कंडीशनल टाइप भी वीडियो जब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस है, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, फीडबैक लाजमी दिया करें, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें आपको समझ आई है कि नहीं, और अगर नहीं तो फिर भी बताया करें कोई ड्रॉबैक कोई कमी हो, इंशाल्लाह दूर रखने करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक फौरन पहुँच सके। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह हाफिज़।